वेलकम बैक टू हिस्ट्री इन्फो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे सुल्तान जो सिर्फ 7 महीने इनका राज रहा। ये भी बीजापुर आदिलशाही डायनेस्टी की एक निशानी है, यानी कि ये तीसरे सुल्तान हैं। इनकी कब्र आज अल्लापुर बेस से काफ़ी करीब है। हाँ दोस्तों, ये हैं मल्लू आदिलशाह, यानी कि तीसरे सुल्तान बीजापुर आदिलशाही डायनेस्टी के। आज हम देखने आए हैं इनकी कब्रगाह, यानी कि मकबरा। यहाँ पर कुछ मज़ारे भी हैं और एक मस्जिद भी है जो यहाँ के एरिया को बिलोंग करती हैं, कि इन्हीं को बिलोंग करती है। सब में पहले हम देखेंगे वो मेन गेट जो हम सामने से देख के आए हैं, उसके पीछे का नज़ारा। ये देखिए, वो मेन एंट्रेंस जो सामने से हम देखे हैं, इसके सराउंडिंग भी पहले कंपाउंड था, अभी सभी टूट गया है, यहाँ पर रिहायशी इलाका हो गया। ये है यहाँ की सब में पहली कब्रगाह, यानी कि एक औरत की है। ये भी शायद आदिलशाही डायनेस्टी की एक निशानी है, या तो एक रॉयल की कब्र है। ये देखिए, एक खूबसूरत सी कब्र, यहाँ पर एक कब्र मौजूद है। इसे भी एक छोटे मकबरे पे बनाया गया है, शायद ये भी इन्हीं के ख़ानदान की होगी, यानी कि आदिलशाही। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बीजापुर के टोटल 9 सुल्तान थे, उनमें से हम सिर्फ 8 सुल्तानों को जानते हैं, उनके मकबरे को जानते हैं। आज हम आपको ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो किसी ने आपको सुनाई भी ना होगी या बताई भी ना होगी। आज हम देखने आए हैं मल्लू आदिलशाह। मल्लू आदिलशाह इस्माइल आदिलशाह के बड़े फर्जंद थे, यानी कि बड़े बेटे थे। इनके छोटे भाई इब्राहिम आदिलशाह वन जो चौथे सुल्तान बने। ये यहाँ की मस्जिद है जो बाद में हम कवर करके बताएंगे। फिलवक्त हम आज बताएंगे मल्लू आदिलशाह के बारे में। जैसे कि ये इस्माइल आदिलशाह के फर्जंद थे, तो इस्माइल आदिलशाह का लास्ट विल, यानी कि उनका ये कहना था कि उनके बाद उनके बड़े लड़के मल्लू आदिलशाह को सल्तनत दी जाए, यानी कि गद्दी पे बिठाया जाए। उसी तरह ही हुआ, उनको सल्तनत का बादशाह बनाया गया और अंडर असद खान के इनका राज चलाने के लिए कहा गया। मगर उनकी नाकाबिलियत की वजह से, उनके कुछ ख़राब कामों के वजह से, शरीयत के खिलाफ काम के वजह से, उनको सिर्फ 7 महीने की ही सुल्तानगी नसीब हुई। फिर उसके बाद में इब्राहिम वन आदिलशाह को सुल्तान बनाया गया, चौथा सुल्तान। ये देखिए मल्लू आदिलशाह की लास्ट आरामगाह, इसकी हालत देखिए अभी कैसी हो गई है। यहाँ पर और कुछ कब्रें हैं जो एक सामने भी ऐसा ही मकबरा हुआ करता था, वहाँ पर भी टूट गया है। उसके कुछ तावीज़ हैं यहाँ पर लेके आकर रख दिए गए। एक लेडीज़ कब्र है, ये भी आदिलशाही डायनेस्टी की एक कब्र होगी। ये देखिए वो कब्र खूबसूरत, मगर उस कब्र को, ओरिजिनल कब्र को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अभी उसको प्लास्टर करके ताबीज बनाए हैं, यानी कि ओरिजिनल कब्र नहीं है ये, मगर उनकी आरामगाह यहीं पे थी किताबों के मुताबिक और हिस्ट्री के मुताबिक। जहाँ पर हम इनको ढूंढने आए हैं, ये उनकी ही कब्र है। यहाँ पर मल्लू आदिलशाह बीजापुर के तीसरे सुल्तान। दोस्तों, ये और एक मकबरा यहाँ पे था, यानी कि उसके बगल में ही, मगर उसकी तावीज़ टूट चुकी है। शायद जो वहाँ पर वो तावीज़ पड़ी है, यानी कि वो कब्र पड़ी है, यहीं की होगी। इसको भी लोगों ने डिमोलिश कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर एक मस्जिद भी है खूबसूरत सी, जो आदिलशाही डायनेस्टी द्वारा बनाई गई एक अलग सी खूबसूरत मस्जिद है जो आप देख रहे हैं।
इसकी तामीर उसी दौर में की गई होगी। अंदर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, फिलवक्त यहाँ पर टाला है। हम पीछे के कुछ नज़ारे देखेंगे। यहाँ पर सामने के जो मीनारे हैं उसके पिलर काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। यही देखिए, वो खूबसूरत तरीके से बनाए हुए पिलर जो सामने के मीनारे को कंसिडर करते हैं। ऐसा ही एक लेफ्ट साइड में भी पिलर है जो आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। ये मस्जिद के पीछे का हिस्सा है। दोस्तों, बीजापुर में टोटल 9 बादशाह होते थे, हुआ करते थे। उनमें से हम 3 गोगी शरीफ में हैं और 6 बीजापुर में मौजूद हैं। मगर सबको सिर्फ 5 बादशाह बीजापुर के सुल्तानों के बारे में मालूम है। आज हम आपको ये कुछ अलग से ही जानकारी दे रहे हैं जो किताबों के मुताबिक है। ये भी मल्लू आदिल शाह हैं। इसके हिसाब से हमने आपको टोटल बीजापुर के 9 सुल्तानों के बारे में बता दिया। ये देखिए, एक खूबसूरत सा पिलर जो मस्जिद के पीछे बाजू में है जैसा सामने था। अब हम इस मस्जिद की अंदर की खूबसूरती देखेंगे। दोस्तों, मल्लू आदिल शाह को ढूंढने में हमें काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स या निशानियां हिस्ट्री में मौजूद नहीं हैं। कुछ रेफरेंस से हमें मालूम हो गया कि यही मल्लू आदिल शाह की कब्र है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो आगे बनाकर बता सकें। इस वीडियो को बनाने में हमारे एक सर हैं, बिलाल सर, उन्होंने हमें मदद की। उन्होंने ही बताया कि मल्लू आदिल शाह की कब्र यहीं पर मौजूद है। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। यानी कि हमने मल्लू आदिल शाह की कब्र ढूंढ ली। शुक्रिया दोस्तों।